बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में मज़ेदार आलू गोश्त, जिसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नमक लेंगे हम 1 टीस्पून, आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1.5 टीस्पून, वो भी आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सूखा धनिया लेंगे पीसा हुआ 1 टेबल स्पून। हल्दी लेंगे 1/2 टीस्पून। दही लेंगे 1/2 कप। अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। ऑयल लेंगे 1 कप। प्याज लेंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के, जो मैंने काट लिए हैं। आलू लेंगे 5 अदद मीडियम साइज़ के। गोश्त लेंगे हम 1/2 kg मटन का, जिसको मैंने एक दफ़ा बॉईल कर लिया है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा फैट है वो निकल जाए। अब हम प्रेशर लगाएंगे, जिसमें हम डालेंगे गोश्त, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया। वन एंड हाफ ग्लास पानी का डालेंगे और 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम गोश्त को भूनेंगे। इसके लिए हम ऑयल ऐड करेंगे पहले। और फिर दही ऐड करेंगे और अच्छी तरह दही को भी भून लेंगे। देखें, दही को हमने भून लिया है। मैंने आलू इस शेप में काटे थे और आलू मैंने डाल दिए हैं ताकि गोश्त के साथ आलू को भी हम भून लें। इससे टेस्ट बहुत मज़े का बनता है आलू गोश्त का। 5 मिनट तक हम भूनेंगे। पाँच मिनट हो गए हैं। देखें, ऑयल भी ऊपर आने लग गया है। अब हम 3 ग्लास पानी ऐड कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि आलू गल जाएं। साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखें, 10 मिनट हो गए हैं, आलू गल गए हैं। अब हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे, धनिया डालेंगे, 1 टेबल स्पून हम धनिया लेंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे। हमारा मज़ेदार आलू गोश्त रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये लें जी, डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। आलू गोश्त आप राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और नान के साथ भी। वाओ, जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ शेयर भी करें। लाफिज़।